नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। वे पौधे जिन्हें आप मार्च मंथ में सीड से ग्रो कर सकते हैं, आज मैं उन पौधे के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में पहला पौधा है ये मॉर्निंग ग्लोरी। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में ये पौधा आता है और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद ढेर सारे सीड बनाता है। तो आज मैं इसके सीड हार्वेस्ट कर रहा हूँ और आज ही मैं इसे ग्रो कर लूँगा। ये एक सीजनल फ्लावरिंग वाइन होता है। फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद बहुत सारे सीड बनाता है और उसके बाद पौधा जो है वो सूख जाता है। इस तरह के काफ़ी सारे सीड अपने पीछे छोड़ जाता है, जिन्हें आप साल में दो बार ग्रो कर सकते हैं और इनके फूलों का मज़ा ले सकते हैं। एक तो अभी मार्च मंथ में, दूसरा जून जुलाई मंथ में। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे सीड मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए सॉइल बनाते हैं और फिर इन सीडों को ग्रो करते हैं। लगभग 10 दिन में ये ग्रो हो जाते हैं और एक महीने में इन पर ब्लूमिंग आने लगती है। ये है गार्डन सॉइल, ये है कंपोस्ट और ये है सैंड। गार्डन सॉइल में पहले से ही कोकोपीट वगैरह, नीम के पाउडर वगैरह सब मिला हुआ है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं किया है। गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड को मिला के वेल्डर सॉइल बनाया है और इसी में मैं सारे सीड आज ग्रो करने वाला हूँ। सीड को ग्रो करने के लिए 6 इंच का कंटेनर दिया है और उसे हाफ सॉइल से मैंने फिल कर लिया है। और ये है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड। सभी को मैं इस तरह से बिखेर दूंगा और एक एक करके फिर इन्हें सॉइल में उंगली की सहायता से अंदर दबा दूंगा। 10 डेज में ये ग्रो हो जाएंगे और एक महीने में इन पर ब्लूमिंग आने लगती है। फ्लावरिंग वाइन है और इसका अपडेट मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगा। इन्हें चढ़ने के लिए ट्रेलिस की भी ज़रूरत होती है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये अपराजिता। ये भी समर में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग कर रहा था। लगभग दिसंबर मंथ तक इस पर ब्लूमिंग हुई थी और उसके बाद ये इस तरह की फलियाँ बनाता है। मटर की तरह इसकी फलियाँ होती है और इसमें काफ़ी सारे सीड होते हैं, जिनसे हम नए पौधे बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक ही सीड पौध पर हमें 7 से 8 सीड मिल जाते हैं और इनसे 7 से 8 पौधे मुझे मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ये फली कहीं पर देखने को मिले, ये पौधा कहीं पर देखने को मिले, तो इस तरह के फलियाँ तोड़ कर ले आइएगा और सीड को कंटेनर में बिखेर के उंगली से आप इस तरह से दबा दीजिए। इसके बाद वाटरिंग करनी होती है और डन। तो देख सकते हैं ये 2 गमले मेरे तैयार हो गए हैं। वाटरिंग में सभी में साथ में करूँगा। इसके अलावा ये है साइट्रस पॉइंट। ये पौधा भी फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इस तरह के ढेर सारे सीड बनाता है और इसमें भी लगभग नवंबर मंथ तक ब्लूमिंग होती रही थी। बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, स्टार शेप में होते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड करिएगा। तो देख सकते हैं इनके सीड मैंने कलेक्ट करके रखे हुए थे, पहले ही मैंने हार्वेस्ट कर लिया था और इस तरह से मैंने बिखेर दिया है। सीड बहुत ज़्यादा बारीक हैं तो उंगली से दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा गहराई में आप दबा देते हैं तो सीड गल भी जाते हैं। तो ये 3 पॉट तैयार हो चुके हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये है कोरियप्सिस के सीड्स। इसके सीड भी मैंने कलेक्ट करके रखे हुए थे। तो देख सकते हैं इसे भी मैंने इस तरह से बिखेर दिया है, उंगली से इस तरह से सॉइल को ऊपर नीचे कर दिया है। थोड़ी सी सॉइल से मैं कवर कर दूंगा और डन। तो इसके भी सीड आपको कहीं पर देखने को मिले तो ज़रूर ले आइएगा। और ऑनलाइन आपको कॉम्बो में ये सभी सीड बेहद ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और अगर लोकल नर्सरी में मिले तो क्या कहने, क्योंकि लोकल नर्सरी में प्राइस थोड़ा सा कम होता है। ऑनलाइन जब आप लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, लेकिन हाँ अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको घर बैठे ही सीड मिल जाता है। और ये है गैलाडिया के फ्लावर्स। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में ये पौधा आपको नर्सरी में देखने को मिलता है। सिंगल पेटल और मल्टी पेटल में आता है। फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इस तरह के ढेर सारे सीड बनाता है। एक ही ड्राई फ्लावर्स अगर आप इस तरह से तोड़ लेते हैं तो इसी में आपको ढेर सारे सीड मिल जाते हैं। और हाँ, इसे आप सीड से बेहद ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं तो इसके सीड अपने एरिया की जो लोकल पार्क था वहाँ से मैं लेकर आया था और काफ़ी सालों से ये मेरे गार्डन में बना हुआ है। और जब भी मेरे गार्डन में इसके फ्लावर्स इस तरह से सूखते हैं, मैं उसी टाइम तोड़कर नए कंटेनर में डाल देता हूं और बहुत सारे सीड मतलब पौधे तैयार हो जाते हैं और मेरे गार्डन में साल भर ये ब्लूमिंग करते रहते हैं, कभी भी नहीं जाते हैं। मतलब ये पौधा एक ऐसा होता है जो कि समर विंटर दोनों में ब्लूमिंग करता है।
तो देख सकते हैं इस तरह से मिट्टी में सीड को बिखेरना है, थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे करना है और वाटरिंग करना है, बस डन। बहुत सारे पौधे इससे तैयार हो जाएंगे और जब मैं इन्हें ट्रांसप्लांट करूँगा तो वीडियो आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगा। तो इन्हें भी आप मार्च मंथ में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा टिकोमा को भी आप मार्च मंथ में ग्रो कर सकते हैं। वैसे मार्च मंथ में आप चाहें तो इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सीड और कटिंग दोनों आप मार्च मंथ में ट्राई करिएगा। लोकल पार्क में आपको ये बेहद ही आसानी से पौधा देखने को मिल जाता है और इस तरह की फलियाँ आप तोड़ कर ला सकते हैं और एक ही फली से आपको बहुत सारी सीड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं एक ही सीड पॉट में लगभग 15 से 20 सीड आपको इस तरह के मिल जाते हैं और उससे भी ज़्यादा ही रहते हैं, लगभग 30 सीड तो मिल ही जाते हैं। पेपर्स की तरह इसके सीड होते हैं, काफ़ी बारीक से सीड होते हैं, इसीलिए इसके सीड को भी ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना चाहिए। तो देख सकते हैं एक ही सीड पॉट से कितने सारे सीड मुझे मिल चुके हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। समर में आपके गार्डन में ग्रीनरी तो ऐड ही करता है, इसके अलावा साल भर इस पौधे पर ब्लूमिंग भी होती रहती है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सीड को कंटेनर में मिट्टी में इस तरह से बिखेर दिया है। थोड़ी सी ऊपर से मैंने कोकोपीट की एक लेयर बिछा दी है और अब वाटरिंग कर दूंगा और डन। तो अभी मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाने वाला हूं। जो मैंने कुछ दिन पहले ग्रो किए थे वो अब जो है वो ग्रो हो चुके हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे पौध अब मेरी इसकी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दूंगा और लगभग 8 से 9 मंथ में इस पर ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गोमफ्रेना के सीड। तो देख सकते हैं इसके सीड भी मैंने कलेक्ट कर लिया है, विल्डनेस सॉइल बना लिया है और ऊपर से इस तरह से बिखेर कर सॉइल से कवर करके वाटरिंग कर दिया है और देख सकते हैं लगभग 20 दिन में इसकी पौध भी तैयार हो गई है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉस्मोस, ये समर कॉस्मोस है और ये समर और विंटर दोनों में ब्लूमिंग करता है। तो इसके भी सीड मैंने इस तरह से हार्वेस्ट कर लिए, कंटेनर में रख दिए हैं, सॉइल की एक लेयर बिछा दी है, वाटरिंग कर दिया है और डन। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इससे हम लोग कहते हैं गुल दोपहरी। इसके फ्लावर्स दोपहर में खिलते हैं इसीलिए इसे गुल दोपहरी कहते हैं और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इसके भी सीड इस तरह से बनते हैं। सीड को बिखेर दीजिए, पौध आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद पौध को कलेक्ट करिए और अलग अलग कंटेनर में इस तरह से ट्रांसप्लांट कर दीजिए। बहुत ही सुंदर मुझे तो इसके फ्लावर्स लगते हैं। तो इसके भी सीड आप मार्च मंथ में अप्रैल मई जून तक आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये कचनार है, इसकी भी सीड आपको पार्क वगैरह में पौधे लगे हुए होते हैं तो वहाँ से हार्वेस्ट करके ला सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर में भी ये बढ़िया ब्लूमिंग करता है, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में आते हैं। तो ये थे कुछ पौधे जिन्हें आप मार्च मंथ में सीड से ग्रो कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।